महीने की पहली तारीख से रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के नए सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए डॉक्टर फिरोज आलम उर्फ अरमान के नेतृत्व में क्लब द्वारा कुछ ही दिनों के भीतर किए गए एक के बाद एक शानदार कामों से क्लब के सदस्यों और आम जनमानस में काफी हर्ष का माहौल है। उनके कामों की श्रृंखला में गुरुवार को ट्रैफिक सेवा में तैनात रहने वाले सिपाहियों को चिलचिलाती धूप में थोड़ी राहत प्रदान करने के लिए करीब 250 छातों का वितरण किया गया। इस दौरान सचिव डॉक्टर निम्मी प्रियदर्शनी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नादिया हयात सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ट्रैफिक डीएसपी का क्लब द्वारा स्वागत किया गया। इस मानवीय पहल के लिए डीएसपी साहब ने सबका आभार प्रकट किया। डॉक्टर अरमान, जो कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं और कई संगठनों में सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं, उनके अध्यक्ष बनने से रोटरी क्लब ऑफ मिथिला में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। पौधारोपण हो या बहादुरपुर थाना और मंदिर परिसर में पेयजल के लिए ठंडे पानी का मशीन लगाना हो, ये कुछ ऐसे काम है जिसको देखने के बाद हर कोई रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की नई टीम की प्रशंसा कर रहा है। वहीं नव नियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही भंडार चौक स्थित गोलंबर को भी टाइल्स और मार्बल लगाकर सजाने सवारने का काम किया जाएगा। क्या किया है यातायात थाना पे आप लोगों ने? रोटरी मिथिला की तरफ से अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को जो धूप में रहते हैं, मोची को, जो भी गरीब लोग हैं उसको यहाँ पर से वितरण करने का काम किया। कुल कितने अम्ब्रेला आपने यहाँ पे अभी बांटा? 250 अम्ब्रेला हम लोग मंगवाए थे रोटरी क्लब मिथिला की तरफ से। दरभंगा में जितने भी ट्रैफिक पुलिस है उसको, मोची को, अभी हम लोग स्टेशन पे जाएंगे और दीगर आपको डीएमसीएच के पास जाएंगे, हर जगह जाकर जो है हम लोग इसका वितरण का काम करेंगे। वैसे भी कल मेरा जो है डीजी विजिट होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो रोटरी के वो आने वाले हैं। हम लोग का कार्यक्रम कल बहादुरपुर में रोटरी मिथिला की तरफ से मंदिर में ग्रेनाइट टाइल्स लगाया गया है। उसके बाद आपको वहां पर वाटर प्यूरीफायर, उसके बाद ये सब का कार्यक्रम कल होगा। और रात में हम लोग का जो है तलाल में सिटी विजिट हम लोग का होगा। अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन का यह कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने समाज के उन लोगों को चूज किया है जो समाज सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ में वैसे लोग जिनका व्यवसाय रोड साइड में होता है। हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ट्रैफिक पुलिस को चूज किया है जो हमारी सेवा दिन रात इस कड़ी धूप में और बारिश में लगातार रोड पे खड़े होके करते हैं, और साथ में व्यवसायिकों में उनको चूज किया है जो रोड के किनारे बैठ के, जैसे मोची या ताला चाबी बनाने वाले, वो रोड के किनारे इस कड़ी धूप में और बारिश में अपनी व्यवसाय का कार्य करते हैं। तो आज के बीच में यह छोटा सा अम्ब्रेला वितरण का कार्यक्रम करके एक अपनी प्रयास सफल बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मिनी प्रियदर्शनी, सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ मिथिला।